Adhiraj! 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 Adhiraj, uthe ko Adhiraj! 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 बाजीराज अब ठीक तो है ना बाजीराज अब कहाँ चले गए थे बोलिए ना बाजीराज परसों आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ पर मिलेंगे बाजीराज जब हम आपको ढूंढ रहे थे तब हमने नदी की ओर आती एक पगडंडी देखी पता नहीं क्यों बाजीराज हमें ऐसा लगा कि हमें इस ओर ही आना चाहिए आपको कुछ नहीं हुआ बाजीराज एक लिंग जी की कृपा से अब ठीक है पर बाजीराज अब कहाँ चले गए थे पता नहीं सोम सब कुछ इतना विचित्र था और हमने जो देखा वो तो कोई भी वो सब छोड़िए बाजीराज और शीघ्र ही गुरुकुल चलिए आपको पता है वहाँ सब आपके कितने चिंता कर रहे हैं चलिए बाजीराज चलिए महारानी सा मैंने आपके भाई मानसिंह सर को संदेशा भेजवा दिया है वो किसी भी समय यहाँ आ जाएंगे इधर गोपाल आपका भला करे गिरजा जी और प्रताप की कोई सूचना नहीं महारानी सा अभी तक कोई समाचार नहीं आया और आप घबराइए मत महाराणा सा खुद गए अपनी विशेष टुकड़ी के साथ बाजीराज को ढूंढने और देखना वो बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे उन्हें और आपका आशीर्वाद भी तो है बाजीराज के साथ वो उनकी हर संकट से रक्षा करेंगे भरोसा रखिए महारानी सा भरोसे ही एक एक करके टूट रहे गिरजाया जी और रही हमारे आशीर्वाद की बात तो माँ का आशीर्वाद तो सदा ही रहता है अपने संतान के साथ पर संकट उन शक्तियों का हो जो प्रताप के जीवन के पीछे पड़े हैं तो आप कहना क्या चाहती हैं महारानी सा क्या हम इसे भी मात्र सहयोग मानने गिर जाया जी कि जिस दिन हम धीरबाई जी पर प्रताप के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का आरोप करते हैं उसी दिन हमारा पुत्र प्रताप खो जाता है क्या इसमें भी हम धीरबाई जी का हाथ ना देखें हमें इसी समय धीरबाई जी से जाकर पूछना चाहिए क्या किया है उन्होंने हमारे प्रताप के साथ प्रताप के लिए हम कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार हैं महाराणा साहब आपका ऐसा करना महाराणा साहब को और दूर कर देगा आपसे राणा जी ने तो हमें पहले ही अपने जीवन से निकाल दिया है बिरजाया जी अब क्या पास क्या दूं पर प्रताप वो तो आज भी हमारे जीवन की बहुमूल्य निधि है हमारी एकमात्र पूंजी है उनके लिए जो भी मूल्य चुकाना पड़ेगा चुकाएंगे हम पर पता तो चले कहां है हमारे प्रताप प्रणाम गुरुवर मेवाड़नाथ स्वयं पधारे प्रणाम राणा जी प्रणाम आचार्य जी वो कुंवर प्रताप राणा जी अपनी क्षमता अनुसार कुंवर प्रताप को ढूंढने के हमने सारे प्रयास किए किंतु हम सफल ना हो पाए
हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि कुंवर प्रताप हमारे शिष्य हैं और हमसे शिक्षा ग्रहण करके उन्होंने हमारा सम्मान बढ़ाया है। किंतु ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस असाधारण शिष्य में हमने मेवाड़ के उज्जवल भविष्य को देखा वह हमारी ही देखरेख में खो गया। हम इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व लेते हैं और इसी कारणवश हम अपने पद को त्याग। अरे जी, आचार्य जी देखिए कौन आया है। कुंवर प्रताप पहुंची राज। राणा जी, प्रणाम गुरुवर। कहाँ थे आप? वो गुरुवर पता नहीं, वो जंगल, वो नदी। क्या लगता है आपको, प्रशिक्षण के बीच कहीं खोकर आप हमारे आश्रम की मर्यादा का उल्लंघन कर सकते हैं? आप जानते हैं कितना कष्ट दिया आपने सबको? आपके पिता मेवाड़ नरेश अपने महत्वपूर्ण कार्यों को स्थगित करके यहाँ आए, ये शिक्षा मिली आपको इस गुरुकुल में? क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? गुरुवर, यदि ये हमारे बस में होता तो हम कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, पर जब हमारा घोड़ा भिदकने लगा और भिदकने के बाद वो अनियंत्रित होकर दौड़ने लगा और फिर हम अपने भरसक सामर्थ्य के साथ उस घोड़े की सवारी करते समय उसको नियंत्रित करने में जुटे रहे, और जैसे ही वो घोड़ा नियंत्रण में आता कि कोई चीज हमें बहुत तेजी से चुभी, और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते हम अचेत हो गए। हमें इतना ही याद है कि हम एक ऐसे जंगल में थे जहाँ कोहरा ही कोहरा था, धुंध ही धुंध थी। परंतु बाबूजी राज प्रताप, जहाँ हमें आपका अश्रु मिला उस दिशा में दूर दूर तक कोई जंगल नहीं है। हम जानते हैं उस क्षेत्र को। नहीं दादा, हम सच कह रहे हैं, वहाँ पर जंगल था और उस जंगल से बाहर निकलने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया। तो किस प्रकार आप उस जंगल के बाहर निकले? फिर अचानक से हमें चक्कर आने लगा और हम अपना संतुलन खोकर एक दलदल में गिर गए। फिर हमें ऐसा लगा कि हम अब बाहर नहीं आ पाएंगे, पूरा अंधेरा सा छा गया। फिर संभवतः हमने एक आदमी देखा जिसकी भुजाएं बहुत विशाल थी, लंबे बाल थे, मुख पे तेज था, कुछ तो विशेष बात थी उस आदमी में। जब हमें होश आया तब सोम हमें पुकार रहे थे। राणा जी, जब तक कुंवर प्रताप शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह समर्थ नहीं हो जाते हम कुंवर प्रताप को स्वास्थ्य अवकाश देते हैं, इन्हें उसकी आवश्यकता। नहीं गुरुवर, अब हम बिल्कुल ठीक है और गुरुकुल की शिक्षा में हम फिर से पिछड़ना नहीं चाहते। कुंवर प्रताप, आप वही करेंगे जो आचार्य जी आपसे करने को कह रहे हैं। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम राजन। चलिए कुंवर प्रताप।
ये अच्छा हुआ गुरुवर कि आपने कुंवर प्रताप को स्वयं को संभालने के लिए कुछ दिनों का अवकाश दे दिया। कुंवर प्रताप किस किस तरह की विचित्र कल्पनाएं कर रहे हैं? कुंवर प्रताप ने जो कहा वह केवल कपोल कल्पनाएं नहीं है, परंतु गुरुदेव उस खाई की ओर इस प्रकार का कोई भी मन है ही नहीं। हम जिस भौतिक संसार में रहते हैं उसी के ही समानांतर एक और संसार है, हम जिसे देख नहीं सकते, जिसे समझ नहीं सकते, किंतु वह हर समय होता है। मात्र हमारे ना देखने के कारण से उसके अस्तित्व को झुठलाया नहीं जा सकता। कुंवर प्रताप संभवतः जीवन मरण से परे उसी संसार से होकर आए हैं। इस प्रकार कुछ लोग मृत्यु के मुख से अपने आत्मविश्वास, अपने आत्मबल से मृत्यु पे विजय पाए उन्हें जीवन पे लौटते हैं। तब तो हमें कुंवर प्रताप के इस अनुभव को समझना ही होगा, कहीं कुंवर प्रताप अपने इसी भ्रम जाल में फंस के न रह जाए। जब उचित समय होगा तो सत्य अपने संपूर्ण रूप में उनकर हमारे सम्मुख प्रकट हो जाएगा। तब तक जीने दो उन्हें अपने भ्रम के धुंधलकों में। मुया जी, ये कैसे हो सकता है कि प्रताप शकुशल वापस लौट आए? कह दीजिए कि यह संभव है। बोलिए या जी। क्षमा करें महारानी साहब, पर यह समय इन पर विचार करने का नहीं है। उचित यही होगा कि आप शीघ्र जाएं और अपने कुंवर प्रताप का स्वागत करें। आपको कुछ हुआ तो नहीं? हमारा तो जैसे सारा संसार ही थम गया था। ऐसा मत कीजिएगा कभी। आप जल्दी से अपनी छोटी माँ को बताइए कि कहाँ गए थे, क्या हुआ और कैसे वापस आए। हम सब बताएंगे छोटी माँ, बस एक बार हम अपनी रानी माँ को देख ले, वो भी बहुत चिंतित होगी ना हमारे लिए। क्या हुआ दाजीराज, रानी माँ ठीक तो है ना? कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, पहले आप यहां से निवृत्त हो जाएं, उसके बाद आप हमसे हमारे मंत्रणा कक्ष में आके मिलिएगा। जी दाजीराज। प्रताप कैसे हैं? चेहरा कितना पीला पड़ गया है, आपने कुछ खाया कि नहीं? इतनी चोट आई है आपको? चलिए राजभाई जी के पास चलते हैं। हमें कुछ नहीं हुआ रानी माँ, हम एकदम ठीक है, और आपका आशीर्वाद तो सदा हमारे साथ होता है, फिर हमारे साथ बुरा कैसे हो सकता है ना? आज जो भी हुआ उसके लिए क्षमा मांगते हैं। रानी माँ, आपके और छोटी माँ के बीच ये क्षमा मांगने वाली बात कैसे आ गई? कुंवर प्रताप, आपकी रानी माँ आपके लिए बहुत चिंतित थी, इसलिए उनके मुख से कुछ ऐसी बातें निकल गई जो वो सोचती तक नहीं है, है ना जीजा? रानी माँ, दाजीराज ने हमें मंत्रणा कक्ष में बुलाया है, आप भी चलिए ना हमारे साथ। हम नहीं चल सकते कुंवर प्रताप। पर क्यों रानी माँ? इसी समय यहाँ से चली जाइए, और आज के बाद हम फिर आपका चेहरा कभी नहीं देखना चाहेंगे। क्योंकि उन्होंने आपको बुलाया है तो आपको जाना चाहिए अकेले। आप जाइए, तब तक हम भी हमारा एक महत्वपूर्ण काम करके आते हैं। ठीक है रानी माँ, चलते हैं छोटी माँ। राजवैद्य जी, आपके विचार से क्या कारण हो सकता है बाबूजी राज के इस घाव का? निश्चित रूप से किसी धारदार वस्तु ने घाव किया है,
अब इसने शरीर को कितनी हानि पहुंचाई है इसका सही सही मूल्यांकन करना थोड़ा कठिन है हुकुम, क्योंकि बाबूजी राज को चोट लगी हुई थोड़ा समय हो चुका है। हानि से आपका क्या अर्थ है वैतराज जी? हमें लगता है हुकुम कि बाबूजी राज इसी चोट से अचेत हुए होंगे। इसका अर्थ तो ये हुआ वैतराज जी कि जिस वस्तु से कुंवर प्रताप को चोट पहुंची है वो विषैली थी। हुकुम, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आप कुंवर प्रताप के उपचार की तैयारियां कीजिए। जी। बाबूजीराज, आप थोड़ा याद करने का प्रयास करें कि आपके अचेत होने से पहले हुआ क्या था। बाबूजीराज, आप थोड़ा याद करने का प्रयास करें कि आपके अचेत होने से पहले हुआ क्या था। नहीं रावत जी, कुछ नहीं, बस कोई जंगली झाड़ होगा जिस पर हमारा ध्यान नहीं गया होगा। बाबूजीराज, थोड़ा जोर देकर याद कीजिए, क्योंकि हमारे लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। हमने कहा ना रावत जी, हमें ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा है। ठीक है बाबूजीराज, किंतु जैसे ही आपको कुछ याद आए आप सर्वप्रथम हमें बताएं। जी रावत जी। शमशेर खान जिन जागीरों को देने का वादा किया था उन जागीरों को तैयार रखना हमारे लिए, क्योंकि हमने प्रताप माजी का एक किस्सा बना दिया है। बशर को शिकस्त की आदत नहीं है प्रताप, इस बार तो मैं चूक गया, पर अब तुझे मौत के अंजाम तक पहुंचा के ही रहूंगा। ये सब कुछ हो क्या रहा है रावत जी? बार बार ऐसे संयोग कुंवर प्रताप के साथ क्यों हो रहे हैं? क्या आप जानते हैं रावत जी, इस बार कुंवर प्रताप इतने पास थे अपनी मृत्यु के। हम अपने पुत्र को अच्छी तरह से जानते हैं, वो जोशीले अवश्य है लेकिन मूर्ख नहीं है। खुद ही सोचिए रावत जी, जब कुंवर प्रताप एक बिकते हुए घोड़े को नियंत्रण में कर सकते हैं, फिर वो उस घोड़े को खाई के इतने करीब क्यों लेकर गए? क्या वो जानते नहीं थे कि खाई कितनी गहरी है? ये घटना मात्र दुर्घटना नहीं हो सकती, कुछ तो है। आप सही कह रहे हैं राणा जी, हमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। लेकिन रावत जी, हम समझ नहीं पा रहे कि ऐसा कौन है जो कुंवर प्रताप की हत्या करना चाहता है। वही तो है जो कुंवर प्रताप के आसपास है,
इसलिए हम चुपचाप एक कड़ी सुरक्षा जांच करवा रहे हैं उन सभी व्यक्तियों की जो बाऊजी राज प्रताप के आसपास रहते हैं। तो चाहे वो व्यक्ति बाऊजी राज प्रताप के नए कुश्ती गुरु इब्राहिम खान ही क्यों ना हो।